Hi everyone, a very special good morning to all of you. Welcome to our channel. Today we have to provide you guys most important one linear MCQs of physics. So without any wasting of your precious time, let's start learning. So the first question is, with whose help the purity of a metal can be determined? हम किसी भी metal की purity को check करने के लिए, determine करने के लिए किसकी help लेते हैं? Archimedes principle की. So the next question is question number 2. Ineffective wave is formed by. Ineffective wave कब बनता है? जब two wave of the same shape, यानी दो wave की shape तो same होती है but moving in opposite direction, लेकिन वो move करता है opposite directions की तरफ, जाकर ineffective wave बनता है. The next is question number 3. SHM it should be necessary in the system showing. SHM दैट इज़ हारमोनिक मोशन, ये नेसेसरी होता है किस सिस्टम के लिए, यानी ये इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर्ड इन. स्टार के डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं? लाइट ईयर के थ्रू. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. दैट 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दैट इज 10^-6 mm. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. विच इज़ हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर. हाइएस्ट डेंसिटी क्या है वाटर के? 40 degrees Celsius. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द वैल्यू ऑफ 1 horsepower इज 746 watt. सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज जनरली कंपेटिबल विद 100 decibel. इट्स मीन एयरक्राफ्ट का जो साउंड है वो हम जनरली किससे कंपेटिबल करते हैं? 100 decibel से. सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. वट आर द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या है? दैट इज जूल. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? दैट इज वाट. सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट यूज अ नीडल और पिन टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अगर एक नीडल और पिन जो है सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रही है तो उसका कारण क्या है? दैट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन मेन रीज़न है कि वो उस पर वाटर पर फ्लोट कर रही है. सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ एन ऑब्जेक्ट रोटेट इन ए सर्कल एट द सेम स्पीड. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स वेलोसिटी रिमेन द सेम. इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन वाटर फ्रीज. अगर वाटर फ्रीज कर दिया जाए तो इसकी डेंसिटी कैसी हो जाती है? इट्स डेंसिटी आर डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस. आपको मोस्ट सुटेबल यूनिट का नाम बताना है जो न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करिए. दैट इज एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम से हम इसे एक्सप्रेस करें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. हुज रूल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन. हाइड्रोलिक ब्रेक जो वर्क है वो किस रूल पर वर्क करता है? पास्कल रूल पर. ओके. द नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16. क्वार्ट्ज क्रिस्टल वर्क इन ब्रेक एंड इट इज बेस्ड अपॉन. क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक जो है जिस किस पर बेस्ड होता है? प्रेशर ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट. प्रेशर ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्वार्ट्ज जो है बेस्ड होता है. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स. आई होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.